नमस्ते बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, उनके द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम में अष्टम सर्ग है उसकी व्याख्या हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने क्लास में अंत में क्या पढ़ा था कि कैकेयी जी अपने ऊपर पश्चाताप कर रही हैं कि मैं अभागिन हूं, मुझे भरत के विषय में खुद ही नहीं पता है, इस तरह का पश्चाताप कर रही थी कैकेयी। ठीक, तो आज अनवरत उसी कड़ी में आगे हम उसी की व्याख्या पढ़ेंगे। तो देखिए आगे पंक्तियों में क्या है कि थीन सन छत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मत रह सका न निज विश्वासी, जल पंजर गत अब अरे अधि अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। देखिए हमने आपको बताया था कि व्याख्या करते समय सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, संकेत, और उस संकेत में क्या होता है कि जिस पद की या जिन पंक्तियों की आप व्याख्या कर रहे हैं उसका शुरुआत का शब्द या मतलब प्राथमिक प्रथम शब्द और डॉट डॉट करके अंतिम शब्द लिखना होता है। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है क्या, संकेत। ठीक, अब इस संकेत में क्या लिखेंगे कि थी सन छत्र, ठीक है, और इसके पश्चात में आप डॉट 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 करके अंत में क्या लिखना होगा, स्वयं तुझी में जागे, स्वयं तुझी में जागे, ये आपका क्या हो गया संदर्भ संकेत। इसके पश्चात में फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। तो देखिए संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से अवतरित की गई है, ली गई है या उद्धृत की गई, ये आपका संदर्भ हो जाएगा। और प्रसंग में यहां पर कैकेयी का वर्णन हो रहा है, कैकेयी के स्वभाव का वर्णन हो रहा है। ठीक, देखिए फिर इसके पश्चात में क्या आता है, व्याख्या, और व्याख्या के बाद में क्या आता है आपका विशेष। ठीक, तो पहले देखिए देखते हैं व्याख्या, और व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं इन पंक्तियों में उसे देख लेते हैं। देखिए सन छत्र, मतलब नक्षत्रों सहित, ठीक, और शशि माने क्या होता है चंद्रमा, निशा माने क्या होता है रात्रि, और नीरव माने क्या होता है शांत। ठीक है, ये आपके कुछ कठिन शब्द हो गए। चलिए देखिए व्याख्या कि थी स नक्षत्र सस निशा और टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उस समय
तारागण सहित चंद्रमा से सुशोभित निशा में, निशा मतलब रात्रि में, नभ से, नभ मतलब आकाश से, उस बिंदु जो टपक रहे थे, क्या उस समय तारागण सहित चंद्रमा से सुशोभित रात्रि में आकाश से उस बिंदु मतलब ओस की बूंदें टपक रही थी, और उस समय क्या था, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उस समय निशब्द सभा हृदय को उद्वेलित कर रही थी, और उस समय उल्का के समान, कैसे उल्का सी रानी सी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, उस समय उल्का के समान रानी कैकेयी सभी दिशाओं को प्रदीप्त कर रही थी, उल्का के समान रानी कैकेयी सभी दिशाओं को प्रदीप्त कर रही थी, और मेरा ही मत रह सका निज विश्वासी, नहीं क्या कर सकती थी मंथरा दासी, जिसको देखकर सभी के हृदय में भाव विस्मय एवं दुख उत्पन्न हो रहा था। उस समय रानी कैकेयी ने कहा, क्या कहा, किस समय सभी के हृदय में भय विस्मय एवं दुख उत्पन्न हो रहा था, तो उसी समय रानी कैकेयी ने कहा, क्या कि क्या कर सकती थी मंथरा दासी, मेरा ही मत रह सका न निज विश्वासी, वह मंथरा दासी जिसको संसार द्वारा कलंकित किया गया, क्या वह मंथरा दासी जिसको संसार द्वारा इस लोक द्वारा कलंकित किया गया, वो मेरा क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती थी, वह कौन मंथरा मेरे ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती थी, मेरे ही मन ने उस समय आत्मविश्वास खो दिया, मेरा ही मत रह सका न निज विश्वासी, निज मतलब स्वयं का अपना है, मेरा ही मन ने उस समय अपना आत्मविश्वास जो था वो खो दिया, जल पंजर गत अब अरे अधि अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, अरे मन अरे प्राण उस समय तुम पंजर गत थे, अब अधीर और अभागे बने हुए हो, उस समय तुम्हारे भीतर ही ज्वलित भाव जागृत हुए थे, अब तुम्हें जलना ही चाहिए, अतः हे अभागे अब तू जल, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, उस समय तुम्हारे भीतर ही ज्वलित भाव जागृत हुए थे, और अब तुझे जलना ही चाहिए, अतः हे अभागे अब तू जल। ठीक, चलिए दोबारा देख लीजिए, कि थी सनछत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, कि उस समय तारागण सहित चंद्रमा को सुशोभित, चंद्रमा से सुशोभित रात्रि में आकाश से ओस की बूंदें टपक रही थी, और उस समय निशब्द सभा हृदय को उद्वेलित कर रही थी, उस समय उल्का के समान रानी कैकेयी सभी दिशाओं को प्रदीप्त कर रही थी, जिसको देखकर सभी के हृदय में भय विस्मय और दुख उत्पन्न हो रहा था, तो फिर रानी कैकेयी ने कहा, क्या कहा, कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मत रह सका न निज विश्वासी, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जाके। रानी कैकेयी ने कहा कि वह मंथरा दासी जिसको संसार के द्वारा इस लोक के द्वारा कलंकित किया गया, ये कलंकित किया जाता है, वो मेरा क्या कर सकती थी, मेरे ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती थी, कौन मंथरा।
मेरा ही मत रह सका न निज विश्वासी, निज माने अपना। मेरे ही मन ने उस समय अपना आत्मविश्वास खो दिया, जल पंजर गत अब अधे अब अधि अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जाके। कि अरे मन, अरे मेरे प्राण, तुम उस समय तुम पंजर गत थे, अब अधि और अभागे हो गए हो, बने हुए हो। उस समय तुम्हारे भीतर ही ज्वलित भाव जागृत हुए थे, अब तुम्हें जलना ही चाहिए, इसलिए हे अभागे अब तू जल। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई। और चलिए इसमें देखते हैं विशेष, आपका विशेष क्या होगा। नंबर एक, यहां पर कैकेयी का पश्चाताप व्यंजित है। ठीक, नंबर दो, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, भाषा शुद्ध एवं प्रवाहमयी है। ठीक है, ये आपका विशेष हो गया। अब चलिए देखिए आगे पंक्तियां देखिए कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझे मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों ना चूके, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। देखिए इन पंक्तियों में सबसे पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में क्या लिखेंगे कि कुछ मूल्य नहीं, कुछ मूल्य नहीं, इसके बाद में डाटा डाट करके क्या लिखेंगे, क्या तुझसे। ठीक, ये हो गया आपका संकेत। इसके पश्चात में आता है संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से अवतरित की गई हैं। किससे? साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित हैं, उद्धृत हैं, या ली गई हैं, या प्रस्तुत की गई हैं। और इन पंक्तियों में कैकेयी की जो कैकेयी का जो पश्चाताप है उसके उज्ज्वल व्यक्तिगत पर व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है, यानी कैकेयी का जो पश्चाताप है उस पर प्रकाश डाला गया है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संदर्भ और प्रसंग। फिर आता है आपका व्याख्या। तो चलिए देखिए व्याख्या कि कुछ नहीं, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या हो तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों ना चूके, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कैकेयी कहती है इन पंक्तियों में क्या कि अरे वात्सल्य, क्या तेरा कुछ भी मूल्य नहीं है, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कि अरे वात्सल्य भाव, क्या तेरा कुछ भी मूल्य नहीं है, तेरा कोई मूल्य नहीं है,
मैंने तेरे कारण ही यह सब कुछ किया, मैं तेरे कारण ही मैंने जो ये षड्यंत्र रचा, ये तेरे कारण ही मैंने सब कुछ किया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, तो तेरे कारण ही ये मैंने सब कुछ किया है, किंतु आज मेरा पुत्र ही अन्य सा प्रतीत हो रहा है, किंतु जो आज मेरा पुत्र है वो मुझे अपनी मां नहीं स्वीकार कर रहा है, मेरे साथ में पुत्रवत व्यवहार नहीं कर रहा है। क्यों? थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों ना चूके, इस कर्तव्य से चाहे संपूर्ण लोक संपूर्ण संसार मुझसे घृणा करे, यदि किसी को कुछ कहना है तो वो कहे, इस बात से कहने से वो तनिक भी चूके नहीं, तनिक भी संकोच ना करे कहने में, कुछ भी कोई भी संकोच ना करे, छीने न मात्र पत्र किंतु भरत का मुझसे, मेरे यत्किंचित मेरी यत्किंचित परवाह न करे, मेरा मेरी कोई परवाह न करे, किंतु हे राम मैं तुमसे यही याचना करती हूँ, यही मांगती हूँ, क्या कि छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, यद्यपि भरत मेरा पुत्र नहीं बनता, यद्यपि भरत जो है वो मेरा पुत्र नहीं बनता, यानी भरत मुझे अपनी माँ स्वीकार नहीं करता है, किंतु भरत से मेरा जो मात्र पद है वो कोई ये पद को छीने नहीं। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, मैं हे राम मैं आपसे सिर्फ यही दुहाई करती हूं कि जो ये मेरा भरत का जो मात्र पद है ये मुझसे कोई न छीने, हालांकि भरत मुझको अपनी मां स्वीकार नहीं करता है। ठीक, तो ये आपका व्याख्या हो गई। चलिए इसको दोबारा देख लीजिए फिर कि कुछ नहीं मूल वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कोई कहे क्यों ना चूके। कैकेयी कहती है कि हे वात्सल्य, अरे वात्सल्य क्या तेरा कुछ भी मूल्य नहीं है, क्या तेरी कोई वक्त नहीं है, मैंने तेरे कारण ही ये सब कुछ किया है, जो ये षड्यंत्र मैंने रचा है मैंने तेरे कारण ही किया है, किंतु आज मेरा पुत्र ही अन्य सा प्रतीत होने लगा है, जो मेरा पुत्र है ये मेरे साथ में पुत्रवत व्यवहार नहीं कर रहा है, यानी अपनी माँ स्वीकार नहीं कर रहा है, इस कर्तव्य से चाहे जो संपूर्ण संसार है संपूर्ण लोक है वो मुझसे घृणा करे, किंतु यदि कुछ किसी को कुछ कहना है या बिल्कुल करे मुझे कोई संकोच नहीं है, किंतु मेरा कोई ये परवाह ना करे, किंतु हे राम मैं तुमसे यही वचन मांगती हूँ, यही कहना चाहती हूँ, ये भीख मांगती हूँ कि यद्यपि भरत मेरा पुत्र नहीं बनता, भरत मेरा मैं वो मुझे मात्र नहीं माता का पद नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपसे यही मांगती हूँ कि भरत से मेरा जो मात्र पद है वो कोई न छीने। ठीक, ये आपकी हो गई व्याख्या। इसके पश्चात में आप देख लीजिए विशेष, विशेष में क्या है, नंबर एक कि भरत जैसा पुत्र पाकर कैकेयी गर्व महसूस कर रही है, ठीक है, और नंबर दो अनुप्रास और उपमा अलंकार है, अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये आपकी विशेष हो गया आपकी, तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में अनवरत इसी कड़ी में इसी के आगे हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.